खालसा कॉलेज के लिए स्पेशल बस लगवाई थी और कॉलेज में छुट्टियां होने के कारण जो बस की समस्या को बंद कर दिया गया और हमने लगातार प्रशासन से मांग की है जो बस की समस्या को दोबारा हल किया जाए, लेकिन अभी तक उस बस की समस्या को हल नहीं किया गया है। और बस में जगह न होने के कारण बच्चे लगातार छात्र इतने भर भर के उसमें भीड़ इतनी भीड़ हो जाती है कि छात्रों के साथ धक्का मुक्की हो जाती है। और पहले भी एक भुना के लड़के के साथ दुर्घटना घटी है, उसकी बाँह टूट गई है, बाहें टूट गई थी। और अभी भी मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार प्रशासन कर रहा है। अगर हमारी ये समस्या का हल नहीं हुआ तो हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। पीछे रतिया कॉलेज के अंदर बच्चों ने डिमांड करी थी बसों की, हमारे बसों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। पहले तो मैं बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से भी बसों के ऊपर नीचे लटक के ना जाए, उसमें जीवन का खतरा होता है। दूसरा, हमारे काफ़ी टाइम टेबल है वो उसी के मुताबिक चल रही है गाड़ियाँ, और जो टुहाना जाती है लगभग रतिया से ही उनका रूट ज़्यादा बना हुआ है, और कुछ रूट प्राइवेट बसों का भी है। अभी मैं GM ऑफिस में गया था, वहाँ प्रिंसिपल साहब का एक लेटर आया हुआ है, उन्होंने 15-15 मिनट के ऊपर बसों बच्चों को लाने के लिए ले जाने के लिए डिमांड कर रखी है, जो असंभव है। हाँ, जितना संभव हो सके हम बच्चों को जरूर सुविधाएं देंगे आने जाने के लिए, और मैं आज ही उनको बोल के आया हूँ TM और DI ब्रांच को, इन बच्चों के समाधान किया जाए। Thank you.